2020 का साल अमेरिका ईरान की अदावत के नाम रहा। दोनों देशों ने एक दूसरे पर हमले किए, दोनों तरफ से मिसाइलें दागी गईं। अमेरिका ने ईरानी कमांडर कासिम सुलेमानी को मौत के घाट उतारा। बदले में ईरान ने अमेरिका के सैन्य अड्डों पर ताबड़तोड़ मिसाइल अटैक किए। जानी दुश्मनी निभाने में अमेरिका ने कोई कसर नहीं छोड़ी। ईरान में घुसकर अमेरिका और इसराइल ने ईरान के नामचीन हस्तियों की हत्या करवाई। नए साल के साथ सुपर पावर और ईरान में टक्कर और जोरदार होने के आसार बन गए। वर्ल्ड एक्सक्लूसिव रिपोर्ट में देखिए, अमेरिकी बॉम्बर इन ईरान, खाड़ी में अब एटमी घमासान। दो बॉम्बर, दोनों एटम बम से लैस, बर्बादी का इतना बारूद कि दोनों लड़ाके किसी भी देश को तबाह कर दें। अमेरिका के नॉर्थ डकोटा एयरफोर्स बेस से उड़े ये दोनों बॉम्बर करीब 7000 किलोमीटर दूर फारस की खाड़ी में जा पहुंचे, उस इलाके में जहां सुपर पावर के सबसे बड़े दुश्मन ने मिसाइलें तान रखी थी। अमेरिकी बॉम्बर ने ईरान के आसमान के करीब उड़ान भरी तो युद्ध का माहौल बन गया। महज कुछ ही घंटे के अंतराल में बारूदी बखेड़ा टल गया। B-52 बॉम्बर का उड़नदस्ता ईरान के बजाय अफगानिस्तान का रुख कर गया। अफगानिस्तान में चक्कर लगाने के बाद एटमी लड़ाकों ने अमेरिकी एयरफोर्स पर सेफ लैंडिंग कर दी। अमेरिका ने ईरान में घुसकर अपना दम दिखाया था। खाड़ी देशों में सुपर पावर के विस्फोटक लड़ाकों की दस्तक से खलबली मच गई। लेकिन इस पावर शो का मकसद क्या था? क्या अमेरिका खाड़ी देशों में बड़े ऑपरेशन का मन बना चुका है? नए साल का स्वागत क्या सुपर पावर न्यूक्लियर धमाके से करने जा रहा है? अफगानिस्तान टू ईरान, परमाणु बम से घमासान। आसमान में अमेरिकी बॉम्बर, ट्रंप का फाइनल वॉर ऑर्डर। सुपर धमाका बॉम्बर आया, रूहानी के साथ ड्रैगन घबराया। एक साथ कई दुश्मनों के होश उड़ाने की ताकत अमेरिका में है। सुपर पावर इस ताकत की नुमाइश में हिचकता भी नहीं। प्रेसिडेंट ट्रंप ने ईरान, अफगानिस्तान, चीन को एक झटके में सन्न कर दिया। अमेरिकी जंगी बेड़े के सबसे विध्वंसक लड़ाकों ने वॉर जोन में तहलका मचाया। इसकी वजह भी हैरान करने वाली है। अमेरिकी थिंक टैंक ये मानते हैं कि ईरान अपने शहीद कमांडर सुलेमानी की बरसी पर बड़े हमले की फिराक में है। ईरान के रेवोल्यूशनरी गार्ड के टारगेट पर खाड़ी देशों में बने अमेरिकी सैन्य अड्डे हैं। आर्मी बेस के साथ ही ईरान विद्रोही लड़ाकों के जरिए अमेरिका के दोस्त देशों को भी निशाना बना सकता है। खासकर होती हिजबुल्ला और मिलिशिया लड़ाके सऊदी अरब और इसराइल में बड़े हमले को अंजाम देने की साजिश रच रहे हैं। ईरान का जोर अमेरिका और सहयोगियों को आर्थिक झटका देने का भी है, जैसे सऊदी अरब की तेल कंपनियों को मिसाइल धमाके से उड़ाना। इजराइल पर साइबर अटैक, अमेरिकी सैन्य अड्डों और दूतावास पर रॉकेट हमले, ये सब लंबे अरसे से ईरान समर्थित लड़ाके करते आ रहे हैं। बीते दो साल में ईरान ने अमेरिका पर दर्जनों हमले किए। हालांकि ईरानी अटैक में सुपर पावर को कोई खास नुकसान नहीं पहुंचा। ये भी एक वजह है जो अब ईरान बहुत बड़ा हमला करने की प्लानिंग में है। अमेरिकी रक्षा जानकारों के मुताबिक रूहानी आर्मी किसी भी वक्त पलटवार कर सकती है। ऐसे हालात से निपटने के लिए अमेरिका भी तैयार बैठा है। सुपर पावर के सभी आर्मी और एयरबेस एक्शन मोड में हैं। प्रेसिडेंट ट्रंप के इरादे खतरनाक हैं। बतौर राष्ट्रपति उनके पास वक्त कम है और ऐसे में फाइनल ऑर्डर ईरान पर डायरेक्ट अटैक का भी हो सकता है। अमेरिका के पास ईरान पर हमला करने के सॉलिड रीजन हैं। 23 दिसंबर की रात इराक में अमेरिकी दूतावास पर रॉकेट फटे थे। धनाधन हुए बारूदी धमाके से बगदाद के ग्रीन जोन में हड़कंप मच गया था। ओसीरोस ट्रंप ने ईरान को युद्ध की वार्निंग दी थी, लेकिन युद्ध हुआ तो वॉर जोन में ईरान अकेला नहीं। पेंटागन की रिपोर्ट बताती है कि फारस की खाड़ी में खून खराबा शुरू होते ही चीन भी युद्ध में कूदेगा। अफगानिस्तान में ड्रैगन आर्मी ने तालिबानी आतंकवादियों को पूरा बैकअप दे रखा है। ऐसे में अमेरिका को एक साथ कई फ्रंट पर जूझना पड़ेगा। खाड़ी देशों में अमेरिका ने ईरान से पंगा लिया तो चीन जैसा देश विरोध में होगा।
लेबनान, इराक, अफगानिस्तान, सीरिया और यमन के विद्रोही लड़ाकों से भी सुपर पावर का सामना होगा। खाड़ी की बारूदी विसात में अमेरिका के मशवरे बढ़ाने में पाकिस्तान जैसा मक्कार देश भी शामिल हो सकता है। चीन से दोस्ती निभाने के साथ ही पाकिस्तान के पास मुस्लिम वर्ल्ड में अपनी खोई साख को वापस पाने का ये एक मौका होगा। ईरान खेमे में ताकतवर सेना है तो सुपर पावर के साथ इजराइल जैसा देश है जिसके हाईटेक हथियार बेजोड़ हैं। अमेरिका सीधे तौर पर युद्ध न कर इजराइल के जरिए भी ईरान को हलकान कर सकता है। इन्हीं वजहों से 2021 के आगाज के साथ ही खाड़ी में बारूदी सुनामी की भविष्यवाणी की जाने लगी है। ब्यूरो रिपोर्ट, TV9 भारतवर्ष। फिक्र आपकी, सोमवार से शुक्रवार रात 9 बजे सिर्फ TV9 भारतवर्ष पर।